मैं आप लोग के आलू मेथी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत टेस्टी है, बहुत यूनिक है, बहुत नए अंदाज से आप लोग सब बनाओगी, झटपट में तैयार हो जाती है। तो आइए हम आलू मेथी की सब्जियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आपके घरों में शाद और आबाद रखे, आपके खानों में बरकतें फरमाए। आज हम मेथी बनाने लगे हैं। मेथी के लिए हमने ये मेथी जो ली है वो काट ली है अच्छे से, और ये जो सब्ज़ प्याज होता है उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है ग्रीन, वो हमने इसमें काट लिया है। मेथी में वाइट वाला हिस्सा हमने नहीं लिया, सब्ज लिया है वो हमने काट लिया। और ये हमने दो अदद आलू लिए हैं वो इसमें इस्तेमाल करेंगे, और हम दूसरा प्याज जो होता है सुरख वाला प्याज वो काट के फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। प्याज गोल्डन होना शुरू हो गया, अब चुटकी हल्दी के शामिल कर देंगे। एक चम्मच हम इसमें सुरख मिर्च का शामिल कर देंगे, आधा चम्मच हम नमक का शामिल करेंगे, कर देंगे मिक्स। इस तरह से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। पानी था वो खुश्क हो गया, उसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे। करना
पानी खुश्क होता जा रहा है, अब हम एक चम्मच का ये वाला हिस्सा लेंगे और इस तरह से हम प्रेस करेंगे। ये पानी बिल्कुल खुश्क करके फिर मैंने इसमें आलू जो है वो शामिल करने हैं। आलू शामिल करके मैं नम लगा देना है, और जो आलू है नम भी हो जाने उनको मैंने बिल्कुल पानी नहीं लगाना। आलू जो हैं वो भी मैंने इस तरह से मोटे मोटे काटे हैं। शुगर फ्री मैंने आलू लिया है, छोटे जो आलू होते हैं वो मैंने लिए हैं और इनके छिलके नहीं उतारे, और आप भी छिलके नहीं उतारिएगा, छिलके समेत इस तरह से बनाइएगा। पहले काटने से पहले अच्छी तरह मसल के धो लीजिएगा आलूओं को, फिर कटिंग करके दोबारा धो लीजिएगा। मैंने नमक लगा के रख दिया है। अब मैं इस तरह से सब्ज़ी को प्रेस करती जा रही हूँ। इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया है, जो ऑयल है वो हमने छोड़ना शुरू कर दिया है। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, आपके नोगे सामने ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। ये जो आलू थे हमने धो के कटिंग करके फिर इनको धो के नमक में भिगो दिया था, नमक वाले पानी में। अब दोबारा से हम इसमें शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जब भी बनाइएगा तो शुगर फ्री आलू लीजिएगा, और जो शुगर फ्री आलू होते हैं उनका छिलका जो होता है बिल्कुल बारीक होता है, आप उनका छिलका नहीं उतारिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। इस तरह से हम ये जो शुगर फ्री आलू डाले हैं वो कहते हैं हम इसमें पानी शामिल नहीं करना, छिलके समेत डाले हैं। आप देखिए थोड़ी देर बाद इसमें पानी जो है आलू जो है वो पानी भी छोड़ना शुरू कर देंगे दोबारा से, आप लोग देखिएगा ज़रूर। फिर मैं आपको दोबारा से चेक करवाऊंगी। अब आप लोग के सामने ढक्कन लगाते हैं इस तरह से। हाँ, इसे 6 मिनट हो चुके हैं, आलू डाल के हमने ऊपर ढक्कन लगा दिया था। अब चेक करते हैं कि आलूओं ने पानी जो है वो छोड़ा या नहीं। ये देखिए, ये आपको चम्मच लगा के मैं दिखा देती हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आलूओं ने जो है पानी छोड़ दिया। ये जो शुगर फ्री आलू होते हैं ये वो वाले आलू हैं। अब यही पानी जो है हमने बिल्कुल इसी में खुश कर देना है। आलू गिलवाने के लिए हमें इसे बिल्कुल पानी शामिल नहीं करना। इस तरह से इसको जो सब्ज़ी है इसमें इस तरह से अच्छे से डिप कर देंगे इस तरह से, और आँच जो है हम बिल्कुल हल्की कर देंगे। ये जो आलू में पानी छोड़ते जाएंगे और खुश्क होता जाएगा, आलू जो है हमारे गल जाएंगे। इसके ऊपर लगा देते हैं हम ढक्कन, 5 मिनट के बाद दोबारा हम चम्मच चलाएँगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हमने अब देखा है पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। अब हम चम्मच चलाएँगे, फिर थोड़ा सा पानी है वो खुश्क हो जाएगा और जो घी है वो सब्ज़ी छोड़ देगी, तो हमारी ये मेथी की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो जाएगी इस तरह से। यह आपके सामने, हालांकि ये सख्त होती है, आपके सामने मैंने कितना सा पानी डाला। इसी तरह से अगर आप लोग बनाएंगे तो आपको मज़ीद और पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके पानी में अच्छे टेस्ट के साथ बनेंगी। आप हम इसको अच्छे से इसकी बुनाई कर लेते हैं, 4 से 5 मिनट हमने इसकी बुनाई करनी है ताकि ये जो ऑयल हमने शामिल किया था सालन में वो अच्छे से छोड़ दे। आलू भी हमारे गल चुके हैं और जो सब्ज़ी है वो भी गल चुकी है, आपको नज़र आ रही होगी। तो देखिए ये ऑयल जो है इसने छोड़ना शुरू कर दिया है, जब अच्छे से छोड़ देगी ऑयल फिर हम इसकी बनाई जो है वो बंद करेंगे। इस तरह से हम इसको भूनते जाएंगे। इस वक्त आपने चम्मच चलाना है, चम्मच को नहीं रोकना और ना ही आपने ढक्कन लगाना है, क्योंकि इस स्टेज पर अगर जो कोई गड़बड़ाहट वगैरह इसमें होगी तो वो आपकी सूरत में निकल जाएगी। इस तरह से बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं कि मेथी जो होती है वो कड़वी होती है, देखिए उसने और छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से भूनते जाएंगे। ऑयल छोड़ दिया है, जितना हमने ऑयल डाला था उसने छोड़ दिया है, हमने बहुत कम ऑयल डाला था। अब हम चूल्हा कर रहे हैं बंद,
ये बर्तन से आपको नज़र आ रहा होगा और ये छोड़ दिया है, जो हमारी सब्जी थी आलूओं के साथ बिल्कुल चिपक चुकी है, प्रॉपर तैयार हो चुकी है। हम इसकी सर्विंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी बहुत ही टेस्टी जो सब्जी है वो तैयार हो चुकी है। ये देखिए सब्जी में बिल्कुल साथ मिक्स हो चुकी है आलूओं के, बहुत ही अच्छी बनी है। आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा जिस तरीके से मैंने बनाई है उसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। कुछ लोगों को जो है कड़वी लगती रहती है, लेकिन ये इसमें कड़वाहट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने सब्ज़ी मेरे जो है वो फ्राई करके रखी हुई है, इसके ऊपर हम इस तरह से खिला देंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़े की हमारी आलू मेथी की सब्ज़ी तैयार हुई है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, बना के खाइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।